रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागरिन, एयर कंडीशनर लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 8770942168। क्या पत्नी अपने पति की हत्या की सुपारी दे सकती है? पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की ऐसी हत्या करवाती है कि आप सोच नहीं सकते। पत्नी का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि उसके पति का दोस्त था। पत्नी को अपने पति से इतनी नफरत हो गई कि वह चाहती थी कि उसके पति का सिर धड़ से अलग होना चाहिए, दिल दहल जाए। ऐसी भयंकर खतरनाक दास्तान मध्य प्रदेश के जबलपुर के पनागर थाने के मछला गांव से जुड़ी है। 40 साल के नरेश मिश्रा का सर घर से अलग था और सड़क पर उसका सर डला था। पुलिस ने इस जगन हत्या की पड़ताल शुरू की तो पड़ताल में पाया कि उसकी बीवी ऊषा मिश्रा कुशवाहा है ही इस हत्या की मास्टरमाइंड है, जिसने 2 लाख की सुपारी देकर अपने प्रेमी अखिलेश विश्वकर्मा से अपने पति की हत्या करवाई है। लेकिन उससे पहले हम इस पति पत्नी और बो की कहानी आपको बताए देते हैं। 7 साल पहले मृतक नरेश मिश्रा ट्रक ड्राइवर था। उसकी मुलाकात ऊषा कुशवाहा से एक ढाबे में कटनी में हुई थी। ऊषा एक ढाबे में काम करती थी और शादी शुदा थी। उसका 6 साल का लड़का भी था। ऊषा ने अपने पति को दगा देकर और अपने बेटे को साथ लेकर नरेश के साथ भाग गई। नरेश ने उससे शादी कर ली। नरेश के माँ बाप की मौत के बाद वह पूरी जायदाद का मालिक बन गया था और अय्याशी करने लगा था, शराब पीने लगा था, साथ ही अपनी पत्नी ऊषा के साथ मारपीट करने लगा था। वजह थी कि ऊषा चाहती थी कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है, जिसकी उम्र 13 साल हो गई है, उसे भी जायदाद का हिस्सा मिले और नरेश कुछ रुपए उसके बेटे के नाम कर दे। लेकिन नरेश इसके लिए राजी नहीं था। इसी बीच मृतक नरेश का दोस्त अखिलेश विश्वकर्मा का नरेश के घर आना जाना शुरू हो गया। नरेश शराब में टुंड रहता था, बीवी से लड़ता था। यही वजह थी कि ऊषा का झुकाव अखिलेश की तरफ हो गया। दोनों में खूब पटने लगी। बस यहीं से पत्नी ऊषा ने साजिश की कहानी लिखी। उसने अखिलेश को 2 लाख रुपए देने की बात की और कहा कि उसके पति का सिर धड़ से अलग होना चाहिए। ऊषा अपने पति से इस वजह से नाराज थी कि उसके पति ने उसके बेटे के नाम जायदाद ना कर एक नई बुलेरो गाड़ी कर ली थी। अखिलेश के मन में भी पाप पनप रहा था। फिर प्लान के मुताबिक 9 जनवरी को एक खेत में फरसा रखा गया और उसी खेत पर अखिलेश ने शराब की पार्टी के लिए अगले दिन मृतक नरेश को बुलाया और उसका धड़ सर से अलग कर दिया। ऊषा ने फरसा धोकर अपने घर में छुपा दिया। लेकिन दोनों के बीच मोबाइल में बातें शुरू हो गई थी। बस यही मोबाइल दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा गया, जिसके द्वारा जब ये एस्टेब्लिश कर लिया गया कि ये नरेश शर्मा नाम का मृतक है। और उसके बाद लगातार हमारी थाना पनागढ़ की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम ने बिल्कुल अविरत काम किया, तो उसमें से बहुत सारी बातों में खुलासा हुआ। खुलासा इस प्रकार है कि नरेश शर्मा की पत्नी है ऊषा मिश्रा। मृतक जो है अपनी पत्नी को काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था। वो काफ़ी उससे परेशान थी और उस पत्नी का एक पहचान का व्यक्ति है अखिलेश विश्वकर्मा, जो कि उसी गांव का है, अखिलेश विश्वकर्मा। और इसकी पिछले कई दिनों से ये प्लानिंग बनी कि उसके पति को मारना है। और उसने उसकी पत्नी ने 2 लाख रुपए के लिए उसको कहा हम देंगे। अब पैसों का इंजाम कहाँ से हुआ, इस संबंध में यह है कि मृतक ने अपनी ज़मीन बेची थी और ज़मीन बेच के उसने एक बुलेरो भी खरीदी है, यानी उसके पास पैसे आ गए थे, उसकी पत्नी के पास पैसे थे। तो 2 लाख रुपए में यह डील हुई कि उसके पति को मारना है। और ये जो मृतक है और मृतक की पत्नी का जो पहचान का अखिलेश विश्वकर्मा है, ये दोनों दोस्त हैं, यानी मृतक और आरोपी ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जब इनका प्लान बन गया कि इसको मारना है और मारने के लिए हथियार जो है मृतक की पत्नी ने ही उपलब्ध कराया आरोपी को, जो कि एक फरसा है। अब परसों शाम को थाना पनागर में गुमसुची की रिपोर्ट हुई थी इसी मृतक के बारे में, ये नहीं मिल रहा।
और इसी के परिवार वालों ने दर्ज करवाई थी। मृतक और आरोपी अखिलेश विश्वकर्मा ने दोनों ने खूब शराब पी, यानी उसको बुलाया गया शराब पीने के लिए। जब वो शराब पी के बेसुध हो गया, नीचे अपने आप ही विढाल हो गया, तो फरसे से उसकी गर्दन पे वार किए गए और वो वहीं पर ढेर हो गया। और इस प्रकार इन्होंने किसी को नहीं बताया और इसकी पत्नी भी पूरे दुख में शामिल रही। बात सिर्फ इतनी है कि अगर बीवी एक पति को छोड़ दे और बदचलन हो जाए तो यकीन जाने वह किसी और की नहीं हो सकती। वह पति और आशिक फिर कपड़ों की तरह बदलती है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। We'll be right back.